सोलन में हिमाचल को फिर से शर्मसार करने की घटना सामने आई है, जिसमें नाबालिग छात्रा से मकान मालिक पिछले काफी समय से परेशान कर रहा था। जब भी वह छात्रा को अकेला पाता था तो उससे अश्लील हरकतें करने लग जाता था, जिसकी वजह से वह काफी समय से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। शर्म के कारण वह किसी को बता नहीं पा रही थी। दो दिन पहले छात्रा के स्कूल में चाइल्ड हेल्पलाइन ने जागरूकता शिविर लगाया था, जिसमें छात्रा ने हिम्मत जुटाकर इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन कर्मियों को दी और आज वह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं एक दूसरे मामले में एक पिता ही हैवान बन गया था, जिसमें वह अपनी ही नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करता था। चाइल्ड हेल्पलाइन सोसाइटी ने इस मामले को भी जागरूकता शिविर के माध्यम से उजागर किया और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। मामले की पुष्टि करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि उनके पास सोलन के आसपास दो क्षेत्रों से नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें दोनों छात्राओं की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। अभी हाल ही में हमारे पास दो बच्चों की शिकायतें आई थी चाइल्ड हेल्पलाइन के थ्रू, उनके पेरेंट्स भी साथ में आए थे, तो उसमें पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया और उसके बाद जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्वेषण जारी है। ये मामले सोलन के इर्द गिर्द के ही हैं, इसमें शिकायतकर्ता का नाम हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और मेरी आम जनता से आग्रह है, पेरेंट्स से भी ये आग्रह है कि अगर आपके बच्चों के साथ कोई इस तरह छेड़खानी करता है या दुर्व्यवहार करता है तो चाइल्ड हेल्पलाइन के थ्रू और हमें डायरेक्टली आप सूचना देने से बिल्कुल ना घबराएं।